नमस्कार, यूथ करना न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दारा सिंह सरोज। खबर है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला कार्यालय पर व्यापार मंडल का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। खबर है अमेठी जिले से, जहां पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 50वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यह बैठक उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अमेठी जिला अध्यक्ष हरशंकर जायसवाल के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें व्यापारियों द्वारा किए गए कोरोना काल में उनके कार्यों पर प्रकाश डाला गया। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जनपद अमेठी की जिला युवा नगर टीम व महिला प्रकोष्ठ टीम के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सभी जिला नगर व महिला प्रकोष्ठ टीम के पदाधिकारियों ने अपना अपना संबोधन दिया। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के 50वें स्थापना दिवस पर पूरे प्रदेश में जगह जगह पर काफ़ी हर्षो उल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। इस बैठक के दौरान अमेठी जिला अध्यक्ष हरशंकर जायसवाल ने अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों, संगठन को मजबूत बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए और सभी पदाधिकारियों को 50वें स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। बैठक के दौरान भादर से मोहम्मद कलाम को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष हरशंकर जायसवाल, नगर अध्यक्ष अनूप अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारी गणों ने मोहम्मद कलाम को माला पहनाकर सम्मानित व हार्दिक बधाई दी। इस मौके पर जिला महामंत्री सुशील जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष संदीप कसौधन बबलू, युवा जिला संगठन मंत्री रोहित गिरी, जिला संगठन मंत्री शिवम प्रजापति, नगर अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, नगर महामंत्री सोनू कसौधन, नगर कोषा अध्यक्ष फणेन्द्र भूषण मिश्र, नगर संगठन मंत्री सुरेश अग्रहरी, नगर उपाध्यक्ष श्री ओम गुप्ता, राजेश तिवारी, महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कंचन गुप्ता, जिला कोषा अध्यक्ष अंजलि अग्रहरी, जिला संगठन मंत्री कल्पना सिंह, जिला महामंत्री परमिला सिंह, टीकर माफी बाजार अध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। यह खास रिपोर्ट थी हमारे संवाददाता अमेठी से अंकित अग्रहरी की। आज यह किस प्रकार की बैठक की गई? आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज ही के दिन 50 वर्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की स्थापना को हुई, जिससे व्यापारियों में बड़ा हर्ष है। और इसी संदर्भ में आज 50वीं वर्षगांठ हम लोग विभिन्न बाजारों से आए हुए अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष पदाधिकारीगण द्वारा मिलकर के ये महोत्सव मनाया गया। और आज ही भादर से चल के आए प्रमुख व्यवसायी मोहम्मद कलाम जी को जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया, जिससे रियासत क्षेत्र में व्यापार मंडल की जड़ें मजबूत हुई। आज बहुत खुशी की बात ये हुई कि 8-10 महीने बाद हम आप सब यहाँ संगठन के बारे में एकत्रित हुए और चर्चाएं हुई, लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो इतने दिन तक मीटिंग ना तो कोई यहाँ संगठन के बारे में जिले में लिया गया और जिला अधिकारी महोदय के यहाँ जो मीटिंग होती थी वो भी नहीं हुई, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में मीटिंग एक होती थी वो भी नहीं हुई। इससे 8-10 महीने के अंतरकाल में हम पदाधिकारीगण और हमारे व्यापारी संगठन के लोग एक प्रकार से सो गए। उनको जगाने के लिए प्रति माह जिले पर एक मीटिंग पदाधिकारियों का लिया जाए और जैसे जिला अधिकारी महोदय अमेठी में मीटिंग होती है सभागार में, वहाँ मीटिंग हो और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जो मीटिंग होती है वो भी हो और संगठन बना के जो सो गए हैं इस समय तो उनको जगा लिया जाए। इसलिए इसका एक रजिस्ट्रेशन का अभियान और संगठन मीटिंग का अभियान चलाया जाए जिले के हर बाजारों में और जिले के कार्यालय पर मीटिंग किया जाए और रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाया जाए, जिससे व्यापारियों में और पदाधिकारियों में एक जागृत संगठन जागृत बन जाए। अध्यक्ष हरिशंकर जायसवाल जी एवं जिला संगठन मंत्री माननीय सुशील भैया जी, नगर अध्यक्ष अनूप भैया जी, जिला अध्यक्ष टीकर माफी जी
एवं हमारी समस्त प्यारी बहने महिला पदाधिकारी एवं मेरे प्यारे मैं अपने दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि हमारा संगठन आज 50 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं और ये हमें लगता है कि मैं जब से जानती हूँ ये ऐसा संगठन है जो 50 वर्ष पूर्ण कर चुका है, वो भी सक्रियता के रूप में। इतना ज़्यादा सक्रिय अभी तक मैंने कोई संगठन ऐसा नहीं देखा है। और इसका श्रेय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय जिला अध्यक्ष जी को और मेरे प्यारे व्यापारी बंधुओं, समस्त पदाधिकारियों को, हमारी बहनों का जाता है, क्योंकि लगातार जब भी प्रदेश अध्यक्ष जी का या जिला अध्यक्ष जी का थोड़ा सा भी दिशा निर्देश मिला है तो उसके 10 कदम हमारे पदाधिकारियों ने पूरा टाइम दिया। धन्यवाद। आप सबकी कर्मठता है, प्रदेश अध्यक्ष जी की जागरूकता इस बात का प्रमाण है कि हम अच्छी तरह और सुव्यवस्थित ढंग से व्यापार मंडल की सिंचाइयों को पहुंचाने में सफल हुए। जब नेतृत्व अच्छा होता है तो उसके नीचे सारे पदाधिकारी अपने आप सहमित और संगठित अनुशासित होते हैं। जैसा कि अभी कुछ चर्चाएं हुई नगर कमेटी की, टीकर माफी की, व्यापार मंडल अराजनैतिक संगठन है, इसमें हर दल के लोग, हर जात के लोग और हर धर्म के लोग जो व्यापार करता है वही व्यापार, किसी वर्ग विशेष का व्यापार मंडल नहीं है, न राजनीतिक है। राजनीतिक आस्था कहीं भी हो सकती है, पहले हम व्यापारी हैं। हमारा व्यापार कभी टूटेगा तब हमें राजनीति भी अच्छी लगेगी। सारी अच्छाइयाँ उसी में है जब आपकी जेब भरी रहे तब राजनीति, धार्मिकता सब कुछ अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम व्यापारी हैं और व्यापारी सुरक्षा ये सर्वोपरि होनी चाहिए सारे पदाधिकारियों के मन में कि हमारा छोटा से लेकर बड़ा व्यापारी तक इस व्यापार मंडल के किए हुए कार्यों की सराहना ही करे। अगर वो कहीं हमारी कमियां बताता है तो हमको आपको उसे सुनना और सीखना भी चाहिए। जरूरी नहीं कि व्यापार मंडल का हर पदाधिकारी या मैं स्वयं इतना निपुण हूँ किसी की सलाह न दे सकती। अधिकारी से बताया गया तो उन्होंने तो उनको फिर लगाया कि ये हमारे व्यापार मंडल की अलग है कि जो संघ सचिव संगठन है तो सभी मतलब कि सबको लगता है कि इनमें संगठन है और ये छाप लेंगे तो मेरी फिर वीजा डाउन होगी और उत्तर प्रदेश में जाएगा तो मेरे नौकरी में भी दाखिल होगी। तो ये अपने आप ताकत को खुद ही समझें कि हाँ हम किस पेड़ के नीचे बैठे हैं और कुछ हमारे भाई बंधु या बहनें जो हैं अभी व्यापार मंडल से वंचित हैं तो उनको भी हम उनके पास पहुँच के उनको अपने साथ लाने की कोशिश करें। जैसे कुछ समय के अभाव तो नहीं आ सके, कुछ उसको जागरूकता नहीं है तो इसके लिए हम खुद अपनी कमी देख रहे हैं कि हम जागरूकता में गिरे पर कोशिश करेंगे कि अपने बैठक बनाया जाए और उसके आधार से हम दो चार सदस्य जी करके सभी से मिलते जुलते कार्यक्रम को लगाएंगे। फिर आगे जब हमारा सहारा खत्म होंगे फिर हम अच्छे से इस कार्यक्रम व्यापारी बंधु प्रशांत बोले मैं उनका भी साथ साथ होना है। इसके साथ साथ युवा नगर कमेटी जो हमारे यहाँ चल रही थी वो निष्क्रिय मैं करा, आज जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिया, निर्देश दिया कि आपकी टीम के द्वारा उसका एक गठन होना चाहिए जो दोनों के समन्वय से एक टीम नगर में काम करे। जैसे पूर्व की टीम था पहले हम लोग के साथ जो नगर टीम चल रही थी उन्होंने 80 भ्रम काम चौदह स्टेशन का हुआ, चाहे 70 प्रमाण पर वापस काम हुआ, 80 का काम उन्होंने किया था, 20 का काम उन्होंने किया था। इनके कार्यों को देखते हुए और सबकी सहमति से जिला अध्यक्ष की अनुमति से वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष का इनको दायित्व दिया जाता है क्योंकि उनके द्वारा लगातार किए जा रहे भारत बाजार में जो भी क्रियाकलाप देखने को मिलता है व्यापारियों के प्रति इनकी जो उपलब्धता है एकदम तैयार रहते हैं उनके लिए, उससे हमको आगे माला पढ़ना के इनका स्वागत भी करते हैं।